सुनिए, मत कीजिए कठिन व्रत। आपके लिए 3 दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत खींचना, वो भी इतनी दूरी पर बने हुए मंदिरों के लिए, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करते हुए देखकर अब मुझे फिर से यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी बातों से मेरा हौसला बढ़ गया है राधिका। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं राधिका। मैंने तुम्हें अपने घर की छोटी बहू बनाने का जो सपना देखा है वो सच होकर ही रहेगा। चाचा जी, मैं सोच रही थी कि अगर देव ये व्रत पूरा करने में सक्सेसफुल हो गया तो। अरे बड़ी बहू, कोई हलवा है का? हाथ में उठाया और खा लिया गप से। हलवा तो हमारा बन जाएगा चाचा जी। इनफैक्ट मजाक भी हमारे ही साथ हो रहा है। पहले वो विशाखा ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया, फिर ये शास्त्री जी, पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्षमा हो रहे, वो व्रत लेकर आ गए। इसीलिए डर लग रहा है कि अब अगर देव ये व्रत पूरा करने में सक्सेसफुल हो गया तो। बड़ी बहू, अरे मलमल पर चलने वाला व्यक्ति 3 दिन तक तपती धूप में नंगे पांव सड़क पर चल पाएगा? बोलो। जिसका सूटकेस ब्रीफकेस भी नौकर चाकर उठाते हो, वो आदमी इतना भारी भरकम रथ अकेला खींच पाएगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल सही। इम्पॉसिबल केस लग रहा है। 20-20 किलोमीटर की दूरी पर जो 5 मंदिर बने हैं, वो तो छोड़िए, दूर की बात है बाबूजी। हमें क्या लगता है कि वो 20 कदम भी नहीं चल सकता है। सही ना कह रहे? सुने, तुम तो चैन से बैठो और बंसी बजाइया की तरह चैन से बैठकर बंसी बजाओ। चलो बैठो। बहुरिया सही कह रही है लल्ला, दामाद बाबू पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। भगवान स्वयं ही इतने रोड़े डाल रहे है, इसका मतलब भगवान की इच्छा ना है कि ये शादी हो। भगवान इस शादी के खिलाफ हैं। अम्मा, यदि ईश्वर इस विवाह के विरुद्ध होते तो वो स्वयं मुझे समस्या का समाधान नहीं बताते। अब जब उन्होंने हमें मार्ग बता दिया है तो हमें उस पर अवश्य चलना होगा। छोरी की छाया जिस पर भी पड़ जावे ना, उके भाग में दुख ही दुख होवेगो। दामाद बाबू ने इके साथ ब्याह करने का सोचा ही, और इतना दुख टूट पड़ो उन पे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लल्ला, तो को दामाद बाबू का इतना सा भी ख्याल ना है, इतना कठिन व्रत तूने उनको बताया ही का है? कैसन कर पावेंगे वो? आधे में छोड़ देवेंगे? जान हलकान होगी वो अलग, और मन खराब होवेगा वो अलग। नहीं कर पावेंगे दामाद बाबू ये व्रत, हम कह रही हैं। अम्मा, वो एक राज पुरोहित है, मुझे गर्व है उन पर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो व्रत को अवश्य संपन्न कर पाएंगे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, उनकी भुजाओं में वायु के समान बल है, और उनके मन में धरती के समान धैर्य और दृढ़ निश्चय, वे अवश्य सफल होंगे। पर अल्लाह, देवकी जी, अम्मा को चाय पिलाइए।
नहाए स्नान करके आता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये जो कुछ भी हो रहा है खाना, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से उन्हें इतना कठिन व्रत निभाना पड़ेगा, मेरे कारण उन्हें ये सब दुख उठाने पड़ रहे हैं काना। मैं उन्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती काना। नहीं, माँ माँ, क्या हम उन्हें ये कठिन व्रत करने से रोक नहीं सकते? वो ऐसे पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। नहीं माँ, उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जाकर सबको सच बताएंगे माँ। अगर हम जाकर सबको सच बता देंगे तो उन्हें ये कठिन प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होगी माँ। बिटिया, तेरी तरह मैं भी इसी दुविधा से जूझ रही हूँ। एक तरफ तेरे बाबूजी का सम्मान है तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का मान, एक तरफ तेरे बाबूजी का जीवन है बिटिया तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का कष्ट। पर बिटिया, मैं तेरे बाबूजी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। उन्हें सच पता चल गया तो वो जी नहीं पाएंगे राधिका। इसलिए बिटिया, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी तरह तेरे कान्हा तेरे पति को इतनी शक्ति दे। कठिन व्रत निभा पाए।